वीडियो की शुरुआत करने से पहले चलिए देखते हैं एक छोटी सी गेम। एक प्रोफेसर है जो उनके स्टूडेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं गेम के लिए। अच्छा, प्रॉपर डिस्टेंस रखना है सबके बीच में। एक बजे मुंदकरा मुंदकरा सबसे लाइन में जो सबसे पहले उनको खड़ा कर दिया सबको, और उसके बाद में जो सबसे लास्ट में है जो बंदा, उनको वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अभी सर। नो 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 टर्निंग्स। सर ने गेम के इंस्ट्रक्शन दिए, गेम के इंस्ट्रक्शन में उन्होंने बताया कि आपको ए एक्टिंग करनी है, और आपको आपके जो अगले वाला जो बंदा है, आपका जो कलीग है, उनको ये चीज़ बताना है कि ये चीज़ करिए करके। तो ऐसा मैसेज पास किया है सर ने, nobody looks back, nobody turns back. किसी को पीछे नहीं देखना है। चलिए अभी ये महाशय जो है वो उनके कलीग को ये सेम जो एक्शन है वो बताएंगे। ओके, एक्शन किया ये जो बंदा है अभी, वो अगले वाले, इसके अगले वाला जो बंदा है। अच्छा, फिर से उन्होंने बताया एक बार, अभी ये वाला बंदा अपने अगले वाले बंदे को समझाएगा कौन से एक्शन थी वो। अच्छा, यहाँ पे एक मिस हो गया उनका, सिर्फ एक ही बार बताना है, गेम का रूल ऐसा है सिर्फ एक ही बार बताना है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने वाली है जरूर। अरे यार, यहाँ पे गड़बड़ी शुरू हो गई। अरे भाई साहब, इसने तो खुजली वाली एक्टिंग कर दी है। अरे ये तो पंख फड़फड़ाने लग गया, पूरा का पूरा बाउंडर हो गया यहाँ पे। अभी हमने देखा यहाँ पे कि पूरा का पूरा एक्शन हर एक बंदे ने बताया यहाँ पे, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे तो सर ने एक्चुअली जो ओरिजिनल मैसेज पास ऑन किया था, जो एक्टिंग करने को बोला था, उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा इस गेम में कि यहाँ पे जो सर ने जिस तरह से जो एक्शन बताई गई थी, उससे जो मैसेज पास ऑन किया था, उनको एक बाय एक ने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, तीसरे ने चौथे को बोला, इस तरह से जो उसने एक्शन को पास ऑन किया, मैसेज को पास ऑन किया, तो जो मैसेज एक्चुअल में जो रियल में था, ओरिजिनल में था, उससे पूरा उल्टा, लास्ट में पूरा उल्टा हो गया। तो दोस्तों, ये कुछ गेम थी जो कि मिसकम्युनिकेशन की गेम हम बोल सकते हैं दोस्तों। यस, वेलकम बैक टू DIGITAL डिजिटल खिचड़ी। दोस्तों, ये बात हो गई मिसकम्युनिकेशन की, अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की। जी हाँ, मिसकम्युनिकेशन दोस्तों, हमको मालूम है कि हमारे डे टू डे लाइफ में, रूटीन में,
हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन से यदि होता है तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारी कई बार ऐसी शिकायत होती है कि हम हमारी बीवी से कुछ कहते हैं, हमारे बच्चों से कुछ कहते हैं, हमारे ऑफिस में हमारे ऑफिस कलीग से कुछ कहना चाहते हैं, हमारे बॉस से कुछ कहते हैं, हम कहते कुछ और है, वो समझते कुछ और है और प्रेजेंटेशन कुछ और आता है, राइट। तो ऐसी हमें कई बार शिकायतें रहती है हमेशा कि हमारा कहना नहीं मानते। बट कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो कमी रहती है ना, वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से कहीं ना कहीं वो रिज़ल्ट हमारा बैड आता है। हमने इस गेम के थ्रू हमने देखा यहाँ पे कि जो ओरिजिनल मैसेज था सबका नियत सही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने गलत बताना है या उनका कहीं गलत करना है, ऐसा कोई किसी का इंटेंशन नहीं था। बट एक गलत मैसेज पास ऑन से यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिसकम्युनिकेशन से काफ़ी नुकसान होता है। सो ये जो वीडियो है हमारा एक कम्युनिकेशन की, हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, अभी दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक इम्पोर्टेंट बात कि हमारी जो एक कम्युनिकेशन की सीरीज जो आ रही है वो मेरे पिछले जितने भी वीडियो आपने देखे हैं उससे पूरे उल्टे है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। तो पूरा फ्रेश कंटेंट आपको मैं आपके लिए स्पेशली देने वाला हूँ। ये मेरे अनुभव निचोड़ से, क्योंकि मैं इस लाइन में तकरीबन 2010 से हूँ मार्केटिंग लाइन में, तो कम्युनिकेशन के बेसिस के ऊपर मैंने कई बार कई थिंग्स मैंने नोटिस की हुई है। तो मेरे अनुभव से मैं आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी बेसिक्स, यानी कि मैं आपको थियोरेटिकल पार्ट प्लस प्रैक्टिकली विथ एग्जाम्पल्स में आपको शॉर्ट एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि आपकी लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। मैंने देखा है दोस्तों कई बार लोगों की शिकायतें होती है कि मेरी बीवी है वो मेरा कहना नहीं मानती, मेरे बच्चे हो मेरे कहने में नहीं है, फिर मैं मेरे कलीग है उसको कुछ बोलता हूँ तो वो कुछ, मैं कुछ टास्क देता हूँ तो कुछ और करके ही आते हैं, मेरी बॉस है उससे मुझे बात मेरी मनवानी है। तो इस सारी चीज़ में चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे यंग हो, कोई भी बंदे होते हैं, उनको कम्युनिकेशन सभी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि कम्युनिकेशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, किस किस के लिए है वो भी हमने देखा। बट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चलिए हम समझते पहले। चलो दोस्तों कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हम समझे तो ये इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन बेसिकली। एक साइड पे सेंडर रहता है जो कि एक मैसेज पास ऑन करता है, वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हो सकती है, कोई फीलिंग्स हो सकती है, आपके कोई ओपिनियंस हो सकते हैं, और दूसरी साइड पे एक रिसीवर रहता है, यानी कि एक साइड पे सेंडर है, कोई मैसेज बनाता है और उसको पास ऑन करता है रिसीवर को। सेंडर मैसेज बनाता है, पास ऑन करता है किसको, रिसीवर को। अभी बेसिकली आप कोई एक बंदे के साथ भी ये मैसेज पास ऑन कर सकते हो, ग्रुप ऑफ में भी ये मैसेज पास ऑन कर सकते हो कम्युनिकेशन में, और साथ में ये वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बली यानी कि हम बोल के कुछ हम उसको डिस्क्राइब करें, राइटिंग में भी आपका कोई कम्युनिकेशन आप पास ऑन कर सकते हैं, नॉन वर्बली आप इशारों से भी बातचीत कर सकते हैं, राइटिंग में ईमेल के फॉर्म में, लेटर के फॉर्म में, या कुछ भी हो सकता है। तो वो सारा कम्युनिकेशन के पार्ट में आता है। बस यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि मिसकम्युनिकेशन भी कई बार हो सकता है यदि हमने इस प्रोसेस को सही तरह से हमने फॉलो नहीं किया तो। अभी यहाँ पे सबसे पहले एक सवाल हमारे सबके माइंड में आ सकता है कि भाई साहब ये कम्युनिकेशन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मैं बता दूँ दोस्तों आपको, चाहे आप जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, आप कोई भी एज के हो, समझ लीजिए आप गृहिणी है, आप वर्किंग वुमेन है, फिर छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं यंगस्टर्स है, फिर कोई बुज़ुर्ग है जो घर पे है फिर कोई प्रोफेशनल है जो अपनी जॉब करता है, कोई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस पर्सन है जो काम छोटा व्यापारी है, एसएमई, एमएसएमई, इन शॉर्ट में कोई भी कैटेगरी के लोग होते हैं, कोई भी मेल फीमेल, कोई भी जेंडर के कोई भी एज क्राइटेरिया के लोग होते हैं, उन सब के लिए उनकी रूटीन लाइफ में, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी लाइफ हो, सभी जगह पे कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़रूरत है। और दोस्तों उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए हमने एक कम्युनिकेशन सीरीज शुरू की है, वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस आपके लिए मज़ेदार विथ एग्जांपल मसालेदार वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा, जो फन के साथ आपके लिए लर्निंग भी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों आने वाले मेरे वीडियो जो कम्युनिकेशन सीरीज के ऊपर होने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने मेरा चैनल यानी कि डिजिटल खिचड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट आप बेल आइकॉन पे भी क्लिक नहीं किया है तो उस पे भी कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको उनके जरिए ही मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।